सो गुड इवनिंग गाइस, आज हम आपके सामने ला रहे हैं फिलिप्स का एसी प्योरीफायर एयर प्योरीफायर। दिस इज एसी, आप देख सकते हैं एसी 1217 है, सीरीज 1000 का एसी 1217। आज इसकी हमें अनबॉक्सिंग करेंगे आपके लिए, क्योंकि आजकल कोरोना डेज में हर घर में इसकी ज़रूरत है। वैसे भी आप जानते हैं कि दिल्ली की एयर कितनी इस समय पॉल्यूटेड हो गई है, तो हर घर में लगभग कोई एयर प्योरीफायर की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप देखिए, मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ, ये अभी आया है मेरे पास। इजी टू हैंडल, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके लिए बना हुआ है, आप आराम से इसको यहाँ से पिक कर लें। वेरी गुड, सो हेयर इट इज 217 फिलिप्स की तरफ से। इसकी अनबॉक्सिंग आज हम करेंगे। मैंने तो इसको अपने क्लिनिक पर्पज़ के लिए मंगाया है, क्योंकि कोरोना में मुझे पेशेंट्स करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी डेंटल क्लिनिक में अपनी। तो आई शो ये रहा, देखिए कितनी ही डेलिकेट गुड लुकिंग और एलिगेंट डिज़ाइन है इसकी। अब हम देखते हैं इसके टॉप पे क्या है। आप देखिए इसके टॉप पे एक ये ऑन ऑफ बटन है, इसके बगल में आप एक और बटन देख रहे हैं नाइट मोड का। ये स्क्रीन है इसकी, जो आपको कलर्स अलग अलग देगी, जिससे आपको पता चलेगा कि विसिनिटी में एयर जो है वो कैसी है। देन ये मोड है, मोड का बटन है। देन इज अ लॉकिंग बटन, चाइल्ड लॉक बटन, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिससे कि आप बटन से आप बाकी कीज़ लॉक हो जाए और चाइल्ड इसको यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे हमें स्लिप लगा रखी है, पहले हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। बड़ा ईजिली ओपन हो जाता है। गाइस, हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे नीचे से। तो ये आप देखो, नीचे से मैंने नीचे से हैंड लगाया और ये ओपन हो गया मेरा बॉक्स। रिमूव इट, इसको हमने रिमूव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री फिल्टर है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। इसको आप वॉश कर सकते हैं, अंदर पूरी पैक डाटा है, तो हमको ये रिमूव करना पड़ेगा। दीज आर कार्बन फिल्टर, आप देख रहे हैं कार्बन फिल्टर है, जो कि हमारे पाउडर्स को वॉश करेगा। और इसके अंदर हमारा हेपा फिल्टर है, जो मेन पार्ट इसका होता है। दिस इज़ अ हेपा फिल्टर, और इसके अंदर ये फैन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको अनपैक करेंगे और वापस इन सबको रीअसेंबल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसको अनपैक कर लूँ, फिर मैं आपको। तो गाइज, हमने अनपैक कर लिया है अपने हेपा फिल्टर को, आप देख सकते हैं, जिससे आप खींच सकते हैं, लेवल है इसमें लगा हुआ। दिस इज़ माई हेपा फिल्टर, ये वॉशेबल नहीं होता है, ये रिप्लेसेबल ही होता है जब ये गंदा हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द एयर इंडेक्स, आपके यहाँ कैसी एयर इंडेक्स है, आप कैसा यूज करते हैं इसे। तो ये हमने असेंबल कर दिया, आफ्टर दैट हम इसको प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं सब में स्लिप से बाहर की तरफ आएंगे, जिससे हम जब चाहें इनको बाहर खड़ी खींच के निकाल सकें, इनको प्रॉपर हम असेंबल कर लेंगे। और आखिरी में द लास्ट बनेगा प्री फिल्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें संभल करते हैं और बंद कर देंगे इसके बाद। गाइस, ये तो मैंने आपको दिखाया कैसे फिल्टर असेंबल करते हैं, अब हम इसकी वर्किंग दिखाएंगे। तो मैंने इसको सिंपल 5 एम्पीयर के भी आप लगा सकते हो, केबल आपने ऐसे ऑन कर दिया। आप देख रहे हो, जैसे ही ये ऑन होता है, पहले इसका डिवाइस सेंस करता है चारों तरफ। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, आप देख रहे हो, ये पहले से ही ऑन था, तो ये ऑन कंडीशन में है। यदि आप इसको ऑफ करना चाहते हो, तो आप इसको केवल 3 सेकंड तक ऐसे प्रेस रखो, आप देखिए अपने आप ही ऑफ हो जाता है। ऑन करने के लिए केवल एक बार टच करना पड़ता है। तो इस समय आप देख रहे हो कि जैसे ऑरेंज शो कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ का क्वालिटी इंडेक्स ऑरेंज नहीं, यहाँ पे पर्पल, यानी कि थोड़ी सी बेहतर है कंडीशन यहाँ की इस कमरे की। और आप मान के चलो यदि 200 स्क्वायर फिट तक का कमरा है, तो ये 12 मिनट्स में ही इसको ब्लू लाइट पे ले आएगा, यानी कि प्योरीफाइड एयर पे ले आएगा। ये फिर बगल में हम आते हैं, दिस इज अ नाइट मोड, नाइट मोड आप देख रहे हो, इसको आप नाइट में लगा दे सकते हो, या फिर जब प्योरीफाई हो जाती है तो अपने आप ही ये मशीन नाइट मोड पे चली जाती है, यानी कि साइलेंट हो जाती है, वर्क करती रहेगी लेकिन साइलेंट रहेगी। उसके बाद आप ये आते हो ये फैन मोड, इसमें आप इसको जब आप प्रेस करोगे, जिस तरह मैंने 2 नंबर का फैन लगा रखा है, वैसे 3। देन अलर्ट, ये आ गया आपका ऑटो मोड, ये आपका है एलर्जन मोड,
कॉल्ड एलर्जन मोड। इसमें आपके यहाँ डस्ट है या फिर आपके यहाँ पेट्स हैं, इनको यहाँ पे एलर्जन मोड पे आपको रखना है। उसके बाद ये है चाइल्ड लॉक मोड है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ शैतान बच्चे हैं, तो इसको चाइल्ड लॉक मोड पे आप डाल सकते हैं, जिससे बच्चे इन चीज़ के साथ प्ले ना कर सकें। ठीक है, तो हम इसको अब इस समय ऑफ कर देते हैं। पहले हम देखते हैं कहाँ से सक्षम होता है। देख रहे हैं यहाँ से सक्षम करता है ये एयर को। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से एक वेंट बना हुआ है। एंड देन आप देख रहे हैं कि इसकी जो एयर है वो पीछे से निकलती है, यहाँ से निकल के एकदम एयर यहाँ से आपको मिलती है बैक साइड से। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे पर्पल से ब्लू की तरफ ही जा रहा है। थोड़ी देर में विद इन 10 मिनट्स आप देखोगे ब्लू हो जाए, क्योंकि यहाँ एसी भी लगा है कमरे में, फुली इनक्लोज रूम है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एसी भी चल रहा है, तो इसकी वजह से जल्दी ही प्योरीफाई कर देगा। कोशिश यही करिए इसको ऐसी जगहों पर चलाइए जहाँ पर क्लोज्ड रूम्स हो, वहाँ बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसको चलाते समय उन रूम्स में आप फ्यूम्स ना हो, रेपेलेंट ज़्यादा ना यूज़ करें, या फिर अगरबत्ती ना जलाएं जब इसको आप यूज़ कर रहे हो, बंद होने के बाद आप जला सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अ थर्ड साइनिंग ऑफ फ्रॉम हेयर। तो ये था डेमो वॉट एयर प्योरीफायर का, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।